नमस्कार, आज हम बात करेंगे अपेंडिक्स के लिए जो सर्जरी करते हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और ओपन सर्जरी, इन दोनों में से बेहतर कौन सी है। तो हम पांच पॉइंट्स की चर्चा करेंगे कि ये पांच पॉइंट्स पर कि कौन सी सर्जरी बेहतर है। अभी लगभग हम देखते हैं कि 5 से 10% लोगों को अपेंडिसाइटिस की शिकायत होती है, खास करके जो यंग एडल्ट्स रहते हैं, मतलब 20 से 30 साल के दौरान जिनकी उम्र रहती है उनको अपेंडिसाइटिस की दिक्कत ज़्यादा होती है। इसमें पेट में दर्द होता है और जो पेट में दर्द है पहले बेली बटन के बाजू में होता है और उसके बाद जो हमारा पेट का दाहिना हिस्सा है उसके निचले हिस्से में शिफ्ट हो जाता है। इसके साथ साथ हल्का बुखार रहता है और जी मिचलाना, उल्टी आना, यह भी लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो अपेंडिक्स होने के बाद इस अपेंडिक्स को सर्जरी करके निकाल दिया जाता है, यही इसकी अच्छी ट्रीटमेंट है। तो ये जो अपेंडिक्स की सर्जरी करते हैं, इसमें जो अपेंडिक्स निकालते हैं, तो ये अपेंडिक्स निकालने के लिए दो तरह से सर्जरी की जाती है। पहले ओपन सर्जरी, मतलब जो आपका पेट का दाहिना हिस्सा है, यह 3 से 4 इंच का जो है इंसिजन लगता है और यह इंसिजन से फिर आपके एब्डोमेन में एंट्री करके जो सूजा हुआ अपेंडिक्स है इसको ऑपरेट करके निकाला जाता है। तो ये अभी सालों से यही ट्रीटमेंट चलती आ रही थी, लेकिन अभी लैप्रोस्कोपी के जो इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं, लैप्रोस्कोपी की जो टेक्निक आई है, इसकी वजह से लैप्रोस्कोपी का ट्रेंड अभी बढ़ गया है। इसमें क्या करते हैं, एक जगह बड़ा चीरा लेने से अच्छा क्या है कि पेट में 3 जगह चीरे लेते हैं और इन 3 चीरों में से 3 इंस्ट्रूमेंट जो लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, इसके ये डाल के फिर ये अपेंडिक्स को निकाला जाता है। तो इसमें जो इंसिजन है कम रहता है क्योंकि मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है, 3 होल में से सर्जरी हो जाती है। तो ये लैप्रोस्कोपिक जो अपेंडिसेक्टॉमी है, अगर हम कंपेयर करेंगे ओपन अपेंडिसेक्टॉमी से, मतलब जिसमें चीरा लगता है, तो इसके जो फायदे हैं, ये 5 फायदे हैं, तो 5 पॉइंट्स हम देखेंगे। तो सबसे पहला इसका फायदा यह है कि शॉर्टर हॉस्पिटल स्टे, मतलब कम समय के लिए हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है अगर आपकी लैप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टॉमी की गई है तो, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़ा चीरा नहीं लगता है। इसके वजह से पेशेंट जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है, 2-3 दिन में पेशेंट की छुट्टी हो जाती है। और ओपन सर्जरी में देखा जाता है कि पेशेंट को 4-5-6 दिन लग सकते हैं। इसके अलावा दूसरा, ऑपरेशन के बाद दर्द होना। तो जो ऑपरेशन के बाद दर्द होता है, ओपन अपेंडिसेक्टॉमी जो चीरा देके की जाती है उसमें ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है और जो एनाल्जेसिक्स रहते हैं, दर्द निवारक जो दवाई रहती है, वो ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो लैप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टॉमी है, इसमें एक्चुअली एक की होल सर्जरी होने की वजह से इसमें जो है दर्द निवारक जो दवाई है कम देने की ज़रूरत पड़ती है, पेशेंट को कम दर्द। अभी जो अपेंडिक्स की सर्जरी होने के बाद क्या होता है कि जो बाउल मूवमेंट्स है वो आने को समय लगता है, ठीक है, क्योंकि ये जो अपेंडिक्स की सूजन है आपकी बड़ी आँत से जुड़ी हुई है, पेट में जो इन्फ्लेमेशन है इसकी वजह से जो आँतों की मूवमेंट रहती है, बाउल मूवमेंट्स, इसमें समय लगता है। ऑपरेशन के बाद भी जो आँतों की जो बाउल मूवमेंट्स रहती है इसमें 2-3-4-5 दिन लगते हैं। तो ओपन सर्जरी करेंगे तो इसमें ज़्यादा समय लगता है और इसकी वजह से जो फुल टॉलरेंस है, अगर ये बाउल मूवमेंट्स अच्छे आए, आपका गैस अच्छे से पास हो, तो फुल टॉलरेंस जल्दी शुरू होता है। तो ओपन अपेंडिसेक्टॉमी में इसको थोड़ा समय लगता है और जो लैप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टॉमी है इसमें बाउल मूवमेंट्स जल्दी आती है, मतलब जल्दी गैस पास होना शुरू होता है और जल्दी जो भी खाना खाना है आप उसको पचाना शुरू करते, फुल टॉलरेंस अच्छा रहता है। इसके बाद जो लैप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टॉमी है, इसमें देखा गया है कि जो उंड इन्फेक्शन है, मतलब जो सर्जरी की साइड्स रहती है, उंड इन्फेक्शन कम रहता है और जो ओपन अपेंडिसेक्टॉमी के पेशेंट्स हैं उनमें उंड इन्फेक्शन का जो खतरा है वो ज़्यादा देखा गया है। तो जो इन्फेक्शन है, अगर लैप्रोस्कोपी में क्या होता है, की होल सर्जरी की वजह से इतना इन्फेक्शन का चांस नहीं रहता है। और दूसरा, जो अपेंडिक्स है एक एंडोबैग में डाल के फिर इसको बाहर निकाल लिया जाता है। इसके अलावा जो 5वां पॉइंट है, यह है कि आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ है, आपका जो ऑफिस का वर्क है, जो आपका रूटीन वर्क था, इसको आप जल्दी शुरू कर पाते हैं अगर आपकी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई तो, और ओपन सर्जरी में इसको थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। दूसरा और एक फ़ायदा यह बताया जाता है लैप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टॉमी का, इसमें एक्चुअली क्या करते हैं, पेट को कार्बन डाइऑक्साइड से फुलाया जाता है और पूरे एब्डोमेन को विजुलाइज किया जाता है। तो अभी जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है अपेंडिक्स का, मतलब अभी जो अपेंडिक्स की वजह से पेन होती है वो दूसरी भी बीमारियों से हो सकती है, जैसे ओवरी में सूजन है, ठीक है, इसके अलावा जैसे मेकल्स डायवर्टिकुलम की बीमारी है, पेट में एडिजन से कुछ कारणवश, तो ये सारे प्रॉब्लम जो है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में अच्छे से दिखाई देते हैं, मतलब दूसरा भी कोई प्रॉब्लम है तो अच्छे से लैप्रोस्कोपिक जो प्रोसीजर करते हैं उसमें दिखाई देता है और उसी में फिर इसकी ट्रीटमेंट भी की जा सकती है।
और ओपन अपेंडिक्सेक्टॉमी में जो है राइट साइड में एब्डोमेन ओपन करते हैं तो पूरे एब्डोमेन विजुअलाइज नहीं होता है और वो हम अच्छे से देख नहीं पाते, ठीक है। अभी लैप्रोस्कोपिक ये बेहतर है, लेकिन ओपन अपेंडिक्सेक्टॉमी भी की जाती है क्योंकि इसके लिए ज़्यादा स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं रहती है, इसके लिए लर्निंग कर्व ज़्यादा नहीं रहता है और यह भी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो लैप्रोस्कोपिक अपेंडिक्सेक्टॉमी इज़ ऑलवेज बेटर। इसके अलावा आपका कोई सुझाव है या सवाल है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।